फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन की एक स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें खूब सारे फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन है। तो फिर देर किस लिए करना, चलिए शुरू करते हैं बनाना। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज की रेसिपी है टोमेटो चिकन। इसके लिए मैंने यहाँ पे 300 से 350 ग्राम जितना चिकन लिया है और उतना ही हमें टमाटर भी लेना है। उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम डालेंगे इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी और सूखे मसाले, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और 1.5 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले चिकन में कोट हो जाए। उसके बाद हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज को पीस लेंगे। टमाटर और चिकन की क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। देखिए, हमारा टमाटर का पेस्ट भी तैयार है और आधा घंटा हो चुका है तो चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब सरसों के तेल अच्छे से गर्म हो जाए, हम फ्लेम को लो कर देंगे और उसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले जैसे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री और कुछ सूखे लाल मिर्च और 1 चम्मच जितना साबुत जीरा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें एक प्याज जो कि मैंने रफली चॉप किया है वो भी डाल देंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। सूखे मसाले भूनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, मसाले भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट को डाल देंगे। उसके बाद हम इस फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि टमाटर में बहुत मॉइस्चर है और जैसे ही ये उबलने लगेगा हम इसे ढक देंगे, नहीं तो ये क्या होगा, ये बहुत स्प्लटर करता है और आपके ऊपर छिटकने का डर रहेगा। तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा खुला रखते हुए ढक दीजिए और इसे हम बीच बीच में हिलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक मॉइस्चर रिड्यूस ना हो जाए और चिकन पक ना जाए। एक बार ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। जब आप ढक्कन खोले तब आप फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिएगा। एक बार और हम इसे चला के फिर से ढक देंगे। लगभग 10 मिनट हो चुका है, एक बार और हम चेक कर लेते हैं। देखिए, मॉइस्चर रिड्यूस हो गया है और साइड में से तेल भी छोड़ दिया, इसका मतलब है मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक सिर्फ हम मैरिनेट करते हुए डाले थे, और 1 चम्मच जितना चिकन मसाला, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। देखिए, मसाले फ्राई होके कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। अगर आपका टमाटर ज्यादा खट्टा है तो आप थोड़ा और चीनी डाल सकते हैं, थोड़े गरम मसाला और 1 चम्मच छोटी चम्मच जितना काली मिर्च। तो देखा आपने इसमें कितना सारा फ्लेवर का कॉम्बिनेशन है, खट्टा, मीठा, नमक और तीखा। अब इन सबको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिला के भूनेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स इस चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही चटपटा मजेदार टोमेटो चिकन। आप इसे रोटी या नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।